ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। महल की हिफाजत करें, मुनीम खान मान सिंह हमारे साथ आए। जी हुजूर। समझ में नहीं आ रहा है, किस ओर ढूंढा जाए। उस परिंदे का निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। चाहे जमीन छाननी पड़े, चाहे आसमान चीरना पड़े, हम हर हाल में जोधा बेगम को ढूंढना चाहते। हम जोधा बेगम के बगैर वापस नहीं लौटेंगे। आशा है इन गहनों से शहंशाह हम तक पहुंच जाएंगे।
हो? हमारे सारे सिपाही मारे गए। खैबर चौदह बेगम को लेकर भाग गया। ये खबर सुनाने के बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, खैबर पे की गई सारी मेहनत जाया गई। वो आपका हथियार बनने के लायक नहीं था। क्या ये सच है? बहुत बढ़िया खबर है। ये रहा तुम्हारा इनाम। जाओ यहाँ से। हुजूर, आप बेहद रहम दिल हैं। खुदा आपकी शान हमेशा बनाए रखे। जाओ। क्या आप इस खबर से वाकई खुश हैं बेगम साहब? अबुल माली साहब, आप बेगम साहिबा की सोच को समझ नहीं पाए। खैबर ने हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल नहीं, खैबर ने बहुत बेहतरीन काम किया है। दामाद साहब अब हमेशा से अकल के दुश्मन रहे हैं। भले ही जलाल का सर हमारी तरफ नहीं ला पाया, लेकिन उसका दिल हमारी तरफ ला रहा है, चौधा को ला रहा है। बेशक बहुत जल्दी जलाल उसके पीछे पीछे यहाँ खड़ा होगा, सजदा करके हमसे जोधा की जिंदगी की भीख मांगेगा, और तब उसे कत्ल होते हुए देखेंगे। वाह खैबर, वाह, तुमने हमारी उम्मीद से बढ़कर काम किया है। वाह। Ah!
हुजूर, ये रहे कुछ पांव के निशान। सैनिक, मशाल लेकर आओ। ये तो दरिंदे के पैरों के निशान है। फौरन सब लोग इस निशान का पीछा करो। आओ हमारे साथ। यकीन रखिएगा जोधा बेगम, हम बहुत जल्द ढूंढ लेंगे आपको। हुजूर, कुछ निशान और मिल रहे हैं। इनका पीछा करते रहो, ये उसी दरिंदे के निशान। समझ में नहीं आ रहा ये निशान क्या कर रहे हैं। जाने कहा होंगी आप, किस हाल में होंगी। हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन हम आपको खरोंच तक नहीं आने देंगे। शहशाह में ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच गए। हमें उनके पास जाना ही होगा।
सुनो 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 सुनो, किसी के पुकारने की आवाज है कहीं से। ये शहशाह लेकिन ये निशान हमें जोधा बुआ से तक अवश्य ले जाएंगे। मानसिक जी ऐसा तो नहीं कि ये निशान हमें रास्ता भटका रहे। नहीं शहशाह आप चिंतित मत होइए, जोधा बुआसा को अवश्य ढूंढ कर रहे हैं। हमें फिक्र करनी होगी मानसिंह, एक एक पल जोधा बेगम के लिए खतरा बनता जा रहा है। आप परेशान मत होइए शहंशाह, हौसला रखिए, जोधा बेगम हमें महफूज मिलेंगी। वो क्या है? हम चाहेंगे कि आज के जश्न में आप ये कंगन पहने, अगर इजाजत है तो। ये तो जोधा बेगम का कंगन है, इसका मतलब है हम सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। शायद हमें रास्ता बताने के लिए जोधा बेगम ने अपना सेवर यहाँ गिराया है ताकि हम उन्हें ढूंढ सकें। सबके सब ध्यान से सुने, जहां भी जोधा बेगम को कोई सेवर मिले हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ो। शहंशाह ने हमें ढूंढने के लिए आपको भेजा है। बेगम मां चुचक के सिपाही यहाँ? आइए जोधा बेगम, हम आपको शहंशाह के पास हिफाजत से पहुंचा देते हैं। नहीं, हमें इनके हाथ नहीं आना है। किस्मत हम पर मेहरबान है, अगर हम इन्हें महाचूचक बेगम के पास ले जाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा। घेर लो इसे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, दूर रहो हमसे। शहंशाह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, दूर रहो हमसे, कोई नहीं छोड़ेगा हमें। पहली बात तो अब तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम हमें हुक्म दे सको, और दूसरी बात हाथ आई किस्मत कोई नहीं छोड़ता। पकड़ो इसे, पकड़ लो। छोड़ो कचरा। सब शायद जोधा बेगम है, आवाज इस ओर से आ रही है, चलो। छोड़ो हमें, जल्दी चलो, वक्त नहीं है हमारे पास। हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, पहचानो हमें। दुश्मन तो ये जोधा बेगम है। तुम हमारे साथ हो, हम माचू चेक के सिपाही हैं। शहंशाह,